सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट वीडियो। सो सुबह हो रही है हमारी कालका में निगुआ के घर से, और ये हम ब्राउनी खेल रही है अपना सवेरे सवेरे उठ के। सुबह के 6 बजे का टाइम हो चुका है, 6:30 का टाइम हो चुका है, तैयार हो चुके हैं और आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़। तो उसके लिए निकलते हैं, अपना चाय वगैरह पीते हैं, फिर मिलते हैं। तो मौसम वैसे इधर सही है, ठंडा मौसम हो रहा है, इतना गर्मी वगैरह नहीं है, सही है। धूप वगैरह क्या है, चलो पहले चाय पिए। चाय भैया बना रहे हैं, ये क्या चाय पीते हैं कि मुआवजा पीते हैं? चाय पत्ती ना हमने जान डाल दी, हाँ ज्यादा है, हो सकता साल का तरह है। नहीं है, इधर से दिख रही है साहब कि चाय पत्ती तैर रही है ऊपर, तैरती है ना, इतनी नहीं तैरती जितनी तैर रही है। साइंटिफिक अकॉर्डिंग कोई भी चीज हल्की होगी वो ऊपर तैरेगी, नहीं हमारी फिर भारी होती है वो नीचे से बैठ जाती सारी चाय। लोग चलते हैं, सामान रख लिया, ये गेट खोलते हैं। यहाँ तो ताला लगा है, ताला खोलते हैं, लेके आते हैं चाबी। हाँ ये भी डालना पड़ेगा, क्या चीजें लग रहा हूँ ऊपर से लगाना नहीं, चलो जी साइड पे तो खोल देते हैं। एक गैंग और खड़ी हुई है। पहली बार देखी है मैंने, ये जॉइंट हो रहा है ना एक रस्ते से, एक सिटी से मतलब NH जुड़ रहा है ये। हाँ पर ये ना पहली बार देखा मैंने रेड लाइट सिस्टम हाईवे से, आपको तो अंदाजा है कि हाँ ये बेसिकली ये ट्रकों के लिए लगाया गया है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक रूल बना था थोड़े दिन पहले कि ट्रकों की एंट्री शाम के मतलब रात के 10 बजे के बाद होगी। अच्छा, और ये देख सकते हैं आप 10 बज गए हैं रात के, एंट्री शुरू हो चुकी है, ये टाइमर भी नहीं है। हाँ टाइमर कट के लगे बंदे कहिए। दे चल रहा है 97 रुपये 85 रुपये। आगे करूँ फिर आगे क्यों करूँ
बस चलो जी चलो आर्मी का हेडक्वार्टर है, हरियाणा के हेडक्वार्टर है। कितने गेट है इसके? इसके हैं 8 गेट। हाँ तभी फिर ये वाला नहीं था जहाँ से आया था वो, उस दूसरा गेट होएगा वो सेम ही गेट है ना सबसे। अब ये हरियाणा है, अभी हम इस वक्त हरियाणा के अंदर है, वो बैरिकेड के बाद हम चंडीगढ़ में है। आपने लाइट्स देखी होंगी 1 मिनट की, 80 सेकंड की, ये होती है जी 240 सेकंड की लाइट। यस बहुत ये आज हमारी किस्मत अच्छी है कि हम 80 सेकंड मिले सिर्फ। जिस साइड हम कुल्ला के अंदर वो वाली साइड आती है चंडीगढ़ के अंदर। तो बंदा कन्फ्यूज ही हो जाए जो नहीं आएगा वो तो। किसकी गाड़ी में से निकाल लिए? टावर कहाँ पर है? 3 मंजिलें हैं, इधर नहीं है, दिख जाएगी। बहुत बड़ा है ये। अपना भी ऐसी फ्लैट है जैसे ये दिख रहे हैं ना, ऐसी ऐसी है। गाड़ी दिख जाएगी, चलो देखिए फूफा जी की गाड़ी दिख जाएगी। देखिए हाँ, वैगनर। वैगनर कलर वाइट ग्रे का ना काम खत्म हो गया। टावर से आगे से राइट, टावर से राइट है, आगे से राइट लेना है इधर से खेतों में थोड़ी बात लिखा है छोटा छोटा नंबर प्लेट पे। मुझे लग रहा है यही होगा। ये रहा 1245। ये तो यार गाड़ी खड़ी हुई है दिखने दी। चलिए
पहुंच चुके हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे। पार्ट कौन सा बनाया इसका हमने, तो अब चलते हैं घर में। इधर से फ्लैट कौन सा ये नहीं पता अभी। महिला घर सब, हाँ सबसे ऊपर वाला है, वो वाला जहाँ लाइट जग रही है ना वो वाला है। चलो एंट्री कहाँ से है, इस साइड है कि इस साइड ही होगी। चलो खोलिए गेट। कहाँ पे है? हाँ नया मीटर है, चल रहा है मीटर। ये पकड़ना, कुछ नहीं पकड़ा, पकड़ा। मैं बाल सेट कर रहा था। यही फ्लोर है। प्लेट लगी हुई है, नंबर प्लेट, नेम प्लेट। आ गए, ये लगी, ये पास है। कैसे लग रहे हो? बचती है पहले ऑर्डर। नमस्ते भगवान जी, ये सही है, दो जने आ जाएंगे। तू भी पाला 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 जसराज, जसराज पा पा, तू भी पाला। ए लो जी वाइजर भी खोल के। कोई अच्छा सा होगा। ओए घटा भाई, वॉल्यूम घटा दे, वॉल्यूम घटा दे। नहीं वाईफाई चल पड़ा। ठीक है इसका 1 2 3 4 5 6 7 9 7 9 8 कहां गया? 8 नहीं रहा। दूसरा सिर रख दिया। ये इधर की बालकनी है, देख सकते कितनी खुली है ये। और ये बैकग्राउंड है, पीछे खेत वगैरह पूरे बनाए हुए हैं। इधर फ्लैट्स तैयार हो रहे हैं अभी। और ये हाउस, और ये बैग, एक ये गेट है और एक ये गेट है बालकनी में आने का। और ये वॉशरूम का आउटलेट बार का। बाकी रोड देखो कितनी खुली है, सही है। लाइट वगैरह प्रॉपर है, सारा सही है। अंदर ही चलते हैं, बाहर तो गर्मी हो रही है, वैसे पूरी धूप है। चुके हैं घर के लिए वापस, नहीं घर से पहले तो कहीं और भी जाके आना, फिर बाद में घर के लिए निकलेंगे। ये सामने से ओटी आते हुए, और हेलमेट पाते हुए, हेलमेट ही बड़े टकराते हैं। ये सामने की ये भी सारी फ्लैट्स वगैरह है। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। अब हम पहुंच चुके हैं 22 तो सारा की फोन वाली मार्केट। अच्छा 22 वाली फोन मार्केट में जैसे दिख रहा है, फोन लेना हो तो आप खरीद सकते हो। अरे आपके पास पैसा है तो वरना यहाँ नहीं तो वही चलाओ, वही तो वही चलाओ। तो आगे जाके देखते हैं। और ये है सबसे बड़ी चंडीगढ़ की अमेरिकी दुकानें हैं, कैपिटल्स, रजनीश, वीवो, डेल वगैरह सारी पड़ी है, नाइकन वगैरह भी है। जाना कहाँ है हमने? सतारा में
कहाँ पर जाना है? तो सतारा जाना है ना फिर? इसके अंडरपास है, मतलब अंडरग्राउंड। अच्छा अंडरग्राउंड भी मार्केट है? हाँ। सच्ची? यस ब्रो। पहली बार आए तो पता क्या होएगा। कहाँ जी रहे थे इस टाइम तक? ये अंडरग्राउंड मार्केट में हम जा रहे हैं, पैदल रास्ता। एक बंदा अपना आराम कर रहा है। ओहो नाइट, वो फिर टाइम चेंज है ना, कनाडा और इसमें टाइम में फर्क हो जाता है, इसलिए। ये देखिए सारी मार्केट लगी है, वगैरह भी, सारे मोबाइल के कवर सारे कवर्स ही हैं, गार्ड वगैरह सारे मिल जाएंगे इधर, वगैरह भी सारे हैं। ये देखना है, सेम लोग हैं तो चीज चेंज कर लो ना। क्या सो रहा है? अंदर देखो, वो हो चुका है हमारा, अब चल रहे हैं घर के लिए। एक ग्लासेस लिए, सही लग रहे हैं वैसे। अब किस साइड जाना है? फोन करूँ मैं? अब निकल चुके हैं हम आगे सुखानी तक के जाने के लिए, और आपको शोर बहुत सुनाई दे रहा होगा। यार हेडफोन ले आते हैं ना, हेडफोन से भी सुनाई देता है दिमाग ना, पता नहीं फास्ट करने क्या होता है। सोरे सोरे अच्छा स्पीडोमीटर प्लान भी कट जाना था अभी। ये देखिए बिल्कुल सही आप ट्रैक तो बता रहा है, ट्रैक का ये थी हमारी स्पीड है, ये थी ना एक ट्रैक्टर की। अच्छा ये पास आएंगे जब करना है। कैमरे कहाँ लगा है कुछ नहीं पता यार, टायर को देख के स्पीड पता करना था, कैमरे से कनेक्ट होता है। पंजाब सरकार वाले नहीं दबरे, रोक लो, रोकने तो गए थे। ये हम पहुंच चुके हैं जनमार्ग, इधर से सीधा इसी तरह रास्ता ना उसका, सुखना लेक का। चलिए पहुंचने हैं अभी सुखना लेक। अरे हरियाणा पंजाब हरियाणा, ये रॉक गार्डन भी सही नहीं है, ये रॉक गार्डन है, ये रॉक गार्डन आ गया। इसके साथ ही सुखना है, बहुत रश है, सुखना लेक का है आगे आएगी, अभी थोड़ा दूर है, काफी बड़ा है। पार्किंग नहीं है, ऐसी लोकेशन तो है वैसे, टाइमिंग भी सही है पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए। जैसे बोल चलो पहुंच गए हम सुखना लेक, इससे सीधा सामान लेके जा रहे हैं अभी, इतना इतना ये रखने का काम बहुत होता है साथ में लेके जाने का, बटने जाना भी स्कूटी या बाइक पे जाता। हाँ पर इसके ये ना चीज है ना, फिर मज़ा भी आएगा, बट इसको चलाना जाएगा फिर चलाना भर 500 1000 वही तो। चलो अब सीधा चलते हैं, कितने घंटे लगे। हाँ चलो पहले चलते हैं सीधा, पहुँच गए सुखना ले। ओ भाई मिल गई लोकेशन सही, ये चीज़ हुई ना फिर सही तो। झूले ये पहले नहीं थे ना, अब लगाए गए। ओ खाली लड़की बैठाई हुई है सारी, देखो पोर्ट्रेट्स बनाने वाले बड़े। ये हाथ से उसी टाइम बनाते हुएंगे ये, इतनी फास्ट बना। एक दो तीन चार, वो देखो बना रहे हैं। नहीं बोटिंग करे करे, कितने हैं इसके चार्जेस? क्रूज भी है पर अब गर्मी हो रही है, सांसों सांस हो रही है भी, दूसरे खुद चलाने वाला है।
दो में मजा भी नहीं आएगा, जो है ना फैमिली पूरी फिर मजा भी आएगा। अभी भी इसीलिए रखी है कि उससे आगे ना कोई जाए। ये मोटर नहीं, वो दूसरी चला रहे हैं। ये तो दूसरी होएगी ना, मोटर वाली होएगी क्रूज। गर्मी हो रही है पर इधर काल का सुजाना, उधर सही था मौसम। इस साइड आओ, एंगल में नहीं आ रहे आप इस साइड, इस साइड ओ सही है। बाल दिखना सही, इसमें सही लग रहे हैं, सही है। अपने दिख गया अपने, फिर बड़ी लेके ये सारे बहुत बड़ी है यार। मेरे को हम नहीं आ रहा है जब रोटे जब तुम आए। हां 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 लास्ट टाइम। इधर पानी देखना टूटी चल रही है। जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ नहीं, फोटो खींचनी थी मेन मकसद, वही बोल नहीं सकता कैसी आ रही थी। बढ़िया फोटो, ट्राई कर लेंगे लास्ट बार, जो नहीं आई तो बस फिर घर चलो, मन मार के जाना पड़ेगा। चलो एक बार तो खींच के देखें दोबारा। ये क्या हो रहा है? इधर से शॉर्टकट लेते चलते हैं। ये कोठी बनी हुई है सही, तो लोकेशन भी अच्छी है, सुखना लेक के सीधा सामने, ठंडा की रहती है। यार के अंदर दिखता नहीं है। और क्या वो है ना, एरिया ज्यादा, इनके ही काम होंगे ये सारे लगाने। नहीं हो सकता, नहीं पर वो लग गया, खोल देते साइड वाला। चलो अब घर पे सीधा जाके लैंड करेंगे। बाय बाय चंडीगढ़, साइड से जाना है कि मुड़ना वापस। चलिए फिर बाय सुखना लेक सारी। शिबू भैया ने कुछ सामान लेना था, उसके लिए अब रुके हैं। क्या कह रहे हैं? जब से आ गए जय जवान, जय किसान। सोलन शिमला ग्रेडर्स इलेक्ट्रिक टीवी जो नए नए आया था वो मिल गया। चलो चलते हैं घर पे सीधा इनके साथ। सारी दिन मॉडिफिकेशन के लिए गाड़ियाँ खड़ी है ना, मॉडिफिकेशन पे गाड़ी है। मैकडोनल्ड्स ही चलते हैं, मैकडोनल्ड्स जाना है कि वो जाना है? आप बताओ। और को सोया चाप खाएंगे? चल आप चल, और कंजे और चल, सोया चाप भी खाएंगे। रश आप देख सकते हैं कितना हो रहा है, अंदर भी रश पूरा होएगा ना, पैदल वाले अलग, कार वाले अलग, टूरिस्ट अलग, खतरनाक रश, बस खड़ी है। अब इधर से तुम नज़दीक ही है ना, 10 मिनट का रास्ता रहेगा कालका का। ये लो पहुंच गए हम यहाँ से 90 किलोमीटर शिमला। ओ बारात आ रही है, नाचो। कहाँ है बारात? बारात देखनी हमने, कहाँ है? ओला अभी तो वही चल रहा है, आराम से चलेंगे। मुझे लगा बारात है, यहाँ से लिया था मैंने, वहाँ पिकअप किया था। हाँ यहाँ से, इस जगह से किया था, इतनी बारिश में पुलिस मजा पूरा। हाँ अरे बेचारे अंकल कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, करने लगे हुए। चलो अब तो पहुंच ही गए हैं, इधर नीचे काम चलता हुआ, सदी होने वाली है इसको पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और तेरी खतरनाक ऑफ रोडर्स, मतलब
रास्ता नहीं है भैया जी, रास्ता नहीं है, मोड़ना पड़ेगा। ये इधर से निकल जाएगी भाई, हाँ अब निकल जाएगी। अब देखिए मैं, मेरी आंखें बंद हो चुकी हैं, आ चुके हैं ये वो भाई, ये बन रहा है अंडरग्राउंड रास्ता। ट्रेन आएगी, हम ट्रेन के इंतजार करते हैं। हाँ ट्रेन ट्रेन ट्रेन, ये कौन सी वाली आएगी, बड़ी वाली की छोटी वाली? बड़ी वाली की छोटी वाली? बड़ी है ट्रेन। अच्छा पता नहीं है ना मुझे, शताब्दी आएगी, जन शताब्दी आएगी सीधी दिल्ली सराय रोहिल्ला, ये वाली इस ट्रेन निकलती है उतनी फास्ट है, शताब्दी है। क्यों कोई पैसेंजर नहीं है इसमें, देख सारे खाली है, क्यों जाते नहीं है लोग? ब्रेक लास्ट में, वही 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 की ब्रेक लास्ट में, लास्ट में क्या होएगी ब्रेक, ब्रेक इसकी ब्रेक ये है। और फाटक खुलने के बाद रश देखिए आप, रश खतरनाक रश, ये पीछे तक ट्रैफिक है। ओ भाई ये तो लास्ट तक है ट्रैफिक पूरा, ये देखिए कहां तक है इतना लंबा ट्रैफिक। पर ये बात है कोई आगे नहीं आया इधर से, जैसे लोग आए थे ना आगे आगे खड़े आते हैं, फिर लोगों को पता है ना यहाँ के हिसाब से, हाँ सिर्फ यहाँ बाइक वाले ही आते हैं आगे, हाँ वो भी तभी थोड़ा सा थोड़ी देर ही लगी है, सारी गाड़ियों वाले अभी कर रहे हैं, ओ हो 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 चलता ही जा रहा है जाम, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अब जाकर खत्म हुआ है ये KUV 300 पर खत्म, बन चुका है हमारा कुछ खाने का मूड, चलो चलते हैं अब, क्या नाम था उसका वो सोया चाप खाने के लिए, दुकान खुली होनी चाहिए बस, मेन तो खुली है, खुली है, मिल गई सही दुकान, सूर्य सोया चाप स्टिक्स, चलो क्या खाना है, अरे कुछ मलाई चाप कर दो यार भैया, नीचे तो ठंडा है, पक्के लगे? हाँ लगे हैं। हाँ एसी लगा नहीं है? नहीं। फिर विदाउट एसी है? इतना ठंडा? हाँ। ये कैसे? रेलवे स्टेशन में एसी है नहीं। तो फिर इतना ठंडा कैसे है? क्या लॉजिक है? कितना टाइम लगेगा? खुश हो? अब तो हालत भी बुरी हो चुकी है, थक चुके हैं, दिन के 6 बज चुके हैं अब शाम के, मतलब चुके हैं, आंखें वगैरह तो बंद हो रही हैं, बाल तो ख़राब हो चुके हैं, मतलब बताइए हेलमेट से उन्हें ये चीज़ों ने किया है, पर बचाया भी इन्होंने कि बचत के लिए लगवाए होते हैं ये तो, अब इधर से 5 मिनट का करके रास्ता बस सीधा कर दे पहुँचेंगे, इधर से हम खा रहे हैं मलाई चाप, फिर सीधा घर पे वो या उधर खड़े हैं वो बनवा रहे हैं अपनी अपने मनपसंद की, फिर लेके आएंगे देखते हैं कैसा स्वाद आया। कैसी लगी? बहुत टेस्टी बहुत, सही है। खाने के बाद चलते हैं घर पे कि कुछ और भी खाना है देखते हैं, चल चलते हैं पहले तो रास्ते में, आगे तो निकले कालका पंजाब में। अच्छा पहुंच गए अपने कालका, स्टेशन भी आ गया, सीधा इस पे जाते हैं। इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट नाम कैसा रखा है, क्या इंस्टीट्यूट है? रेलवे का इंस्टीट्यूट था, था पहले, अब नहीं है। ओए तेरी कुछ है, पहले उधर ना जाए, वो आ जाएंगे उधर भी, वो तो राइट विशाल एक दो बस रानी। अरे यार गेट खुला हुआ है, चलो पहुंच गए घर पर, ऊपर चलते हैं अब रखते हैं यहाँ ब्राउनी 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 रुक जा जी। तो घर पे आ गए थे हम 7 बजे, तो उसके बाद में अब बज चुका है 8:30 का टाइम हो चुका है,
बस अब करते हैं एंडिंग ब्लॉग की। जरूर बताना कैसा लगा आपको, आके देखना कैसे क्योंकि बाल भी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।